अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं, मामलात ऐसे हैं कि अहमदाबाद के लिए निकलने लगे हैं और फ़िलहाल एक नए घर के अंदर, नया घर से मुराद ये ओहो नई शक्ल, नई शक्ल भी आ चुकी है, अमर है। और अपार्टमेंट चेंज किया था, बहुत टाइम से व्लॉग्स ना डालने की बेसिक वजह भी यही थी कि क्योंकि अपार्टमेंट का ना सीन ये था कि मतलब ख्वारी हो रही थी, कभी एक जगह पे शिफ्ट हो रहे थे, कभी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे थे, सेटिंग ही नहीं बन रही थी। अभी दोबारा से आ चुके हैं, रेगुलर व्लॉग्स वगैरह भी स्टार्ट करेंगे। जिसने देखना है देखो, लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो, नहीं तो चेल मारो। खैर, एबटाबाद इन भाई साहब के घर की तरफ जा रहे हैं। ये एक तो बड़ा बैग पैक रखा हुआ है, ये हमारा गरीब खाना और लाइव स्ट्रीम वगैरह के लिए सारा सेटअप वगैरह लगा दिया। एक और पीसी लेके आएंगे, बाकी अपने ये योडा, क्या नाम है इसका, योडा हाँ, और ये बाकी की सारी चीज़ें इसी तरीके से स्केट्स वगैरह, स्केट्स के व्लॉग भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी मेरी चीज़ें यहीं पे है, कैमरा अभी अन्नी के हटा ले इसको दो मिनट, ये सुथन नहीं, ये कैमरा भी साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि कुछ शॉट्स वगैरह भी बनाने पड़ेंगे। और इधर बैग भी पैक है, बैग में जस्ट एक फटी हुई पैंट है और कुछ भी नहीं। अपनी VIP गाड़ी, ओए होए होए, ISI का लोगो तो तूने ऐसे लगाया है इसकी, तुम दो ISI का वो कौन सा वाला एजेंट होता है, अंडरकवर अंडरवेयर। अगर पाकिस्तानियों की पूछा जाए ना कि नेशनल कार कौन सी है, तो नेशनल कार्स में पाकिस्तानियों की यही कार आएगी, यही वाली बोस, दी बोस, पाकिस्तान की नेशनल कार। इसमें पहुंचेंगे हम लोग एबटाबाद सलामत, अमेरिका चल रहा है, अमेरिका भी लेके जाएगी। ओके, भरा लो इसमें। पहले कितने पैसों में जाती थी, पहले हम जाते थे जी इमरान खान की हुकूमत में 700 रुपये में एबटाबाद, और अब हमारे शहबाज शरीफ ग्रेट की हुकूमत में हम जा रहे हैं 2500 रुपये में एबटाबाद। मतलब ये कि अब ठीक ठाक फर्क पड़ चुका है इस चीज़ पे, कहाँ 120 रुपये लीटर, कहाँ 250 रुपये लीटर। एबटाबाद तो पहुँचे हैं, रात के अंधेरे में पहुँचे हैं। मजे की बात, यहाँ पर सारी की सारी वो दूसरी हैं, कई डब्बे फिर रहे हैं या तो सुजुकियाँ फिर रही हैं। एबटाबाद नहीं, इसको बोलो डब्बो और सुजुकी का इलाका डब्बो और सुजुकी का इलाका। तो रात को ही पहुँच आए थे एबटाबाद, लेकिन रात को सीन्स ये थे कि हालत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, थके थके हुए थे। और खाना शाना खाया, इसकी भाईजान की फैमिली के साथ मुलाकात की, ओ औरतों की तरह सुती उठी, बाल खिल रहे ने रात वाला कोई भी सीन नहीं था। खैर, तो अभी बाहर निकलेंगे थोड़े मतलब एबटाबाद कुछ घूमना वगैरह, तो जो भी मामलात होंगे वो उसी में। अभी से यहाँ एबटाबाद आने का मेन मकसद जो है वो एक तो ये ख्वारी भी है, इस भाईजान को लेके जाना है, ये वाला पीसी, क्योंकि मेरा वाला पीसी ना वो थोड़ी एडिटिंग्स वगैरह में थोड़ा सा ख्वार है। 12 चल रहा है टेम्परेचर, और हम लोग इस्लामाबाद से कितना छोड़ के हैं, 18 या 16 18 20 कुछ ऐसे। तो सीन्स ऐसे कि 2 से 3 सिनेमैटिक शॉट्स बनाने के चक्कर में, सर आप भी आ जाओ भाईजान ख्वार, आप भी आ जाओ, कोई मसला नहीं है। ये भाईजान का नाम अभी तक मुझे नहीं पता, तकरीबन दाऊद खान अभी पता चला है, पिछले 1.5 घंटे से हमारे साथ घूम रहे हैं और दूसरी मुलाकात है। खैर, 2-3 सिनेमैटिक शॉट्स इस व्लॉग के अंदर हो सकता है मोस्टली सिनेमैटिक शॉट्स ही नज़र आए, या तो कुछ वॉइस ओवर वगैरह, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है। बाद में मैं नहीं आया था, उससे पहले से मैं कोई जदून प्लाजा का नाम बहुत बार सुन चुका था। अब जदून प्लाजा हमारी तरफ पता है प्लाजे को कहते हैं, 3-4 मंजिल की बिल्डिंग और बस, उसमें कुछ खास नहीं होता, 2-3 शॉप्स होती हैं। तो जदून प्लाजे में सब कुछ ही खास है, सब कुछ खास है, तो जदून प्लाजे आओ, क्या क्या मारनी हो जदून प्लाजे, लड़ाई करनी हो जदून प्लाजे आओ, शॉपिंग करनी हो जदून प्लाजा आओ, ओके, खाना खाना है जदून प्लाजा आओ, मेले बैठ कुछ उसन का दीदार करना है तो मतलब पुंडी मारनी है साफ अल्फाज में, तो लेट्स मूव अभी जदून प्लाजा के सामने ही जाके टक्कर मारते हैं। नहीं सॉरी, जदून प्लाजा में एक घोड़ा है बड़ा स्पेशल घोड़ा है, उस पे कौन बैठता है, उस पे कोई नहीं बैठता, वो एक निशानी है हमारी, उसकी आपकी स्पेशलिटी में दिखाऊंगा फिर बताऊंगा। अच्छा जी, ये रहा वो वाला घोड़ा जिसके बारे में बात हो रही थी, इस पे तो किसी को बैठने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी एक चाचा बैठा हुआ है ऊपर, चाचा का नाम कालिया तो नहीं था। ये रहा जी जदून प्लाजा, ये तो मार्केट है,
मार्केट नहीं है, दिस इज प्लाजा। प्लाजा सिर्फ एक बिल्डिंग का नाम नहीं होता वैसे। एक ऑर्डर करो ना, ये स्पेशल डेजी फूड। ओके, स्पेशल स्पेशल फ्रेंच जी, स्पेशल फ्रेंच। एक ही खास हो? एक ही खास है, चिकन वाले या चिकन वाले खास। तो भैया जी आ चुके हैं हमारे स्पेशल फ्राइज, और ये ऊपर चिकन पीसेस है, चिकन, और ये तो मायो डाल दिए, और बस चटनी डाल दी, सब्जियां डाल दी। बट आते साथ ना मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने से भी पहले मैंने खाने शुरू कर दिए, मतलब देख के आते मुंह में खुशबू और देख के मुंह में पानी आ गया था सीरियसली। बहरहाल अभी टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कैसे हैं। ओके ओके, चिकन भी लगा साथ में। एक बात बताऊँ, मेयोनीज के साथ भी बहुत टेस्ट। एब्टाबाद की जो दूसरी चीज मैं टेस्ट करने वाला हूँ वो क्या है जान? वो है हमारे हॉट एंड स्पाइसी के स्पेशल चिकन समोसे। हॉट एंड स्पाइसी इस्लामाबाद में भी है, उसी तरह का है? हाँ उसी टाइप का, उसी टाइप का, लेकिन समोसा विद स्पेशल चटनी। हाँ चटनी आराम है। ये रहे जी समोसे, वो भी कोई स्पेशल वाले, ऊपर नाम मुझे नहीं समझ आया, डिलीशियस लिखा हुआ है? नहीं है, डिलीश स्पाइसी, डेलिश लिखा हुआ है, और डिलीशियस मुझे समझ आ रही थी, मेरी अंग्रेजी बहुत ख़राब हो गया। बात है चटनी, चटनी में ना सारी मिर्ची मिर्चियाँ, लाल मिर्चें इतनी डाली कसम से फटेगी खाते हुए मुंह, और हाँ समझ जाओ फिर। समोसे को खोल, दोनों हाथों से खोल, पता तो चले है क्या इसके अंदर। खोल खोल, ओए चिकन निकल निकल के जा रहे कसम से, मुझे मिर्चें लगी है, मैं तेरी कह रहा हूँ। नहीं मिर्चें नहीं है इसमें, बहुत कसम से समोसे का टेस्ट आ ही नहीं रहा, मिर्चें मेरी जुबान के साथ चिपक गई है। ये हमारी स्पेशल हॉट एंड स्पाइसी की चटनी। खैर बाहर की ख्वारियाँ काट के वापस आ चुकी हैं घर पे, और घर पे आते साथ भाईजन की आई हुई थी वॉर जोन 2, कल रिलीज हो चुकी है और ये खेल रहा है वॉर जोन 2। और इधर हमारी भी पबजी के अंदर अपडेट आ चुकी है। जुम्मे वाला दिन और सेकंड डे मतलब एब्टाबाद के अंदर दूसरा दिन, भाईजन ने गाड़ी निकाल ली है, और फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं अलियासी मस्जिद के लिए, और कुछ ज़्यादा पता नहीं मतलब क्या कुछ दिखाने के लिए होगा। भाईजान कमीज शलवार के अंदर, हमारी दुखी औरत गेम खेल खेल के अभी थकी है, तो अभी निकलने लगे। ये दोनों को पीछे, खुद जाएंगे आगे। चलो ड्राइवर, ड्राइवर चले सर, राइट स्टार्ट कर दो, कर दो। ओके सर, कहाँ जाना आपने? ले जाओ किसी भी जन्नम में, जहाँ पे कतरीना करीना सारी हो। यहाँ पे कटरीना से अब मॉडल मिलेंगे। ओए होए होए होए, छोटे बच्चे काम चेकर वाइपर निकाल के खड़ा भाई। हेलो बेबी, ओए ये कुत्ता है काटेगा, जाओ वापस घर। वो भी आगे से नकली उतार। अच्छा ये रही जी मस्जिद की इंटरेस्ट, और मस्जिद की इंटरेस्ट तो ये है कि मतलब कुछ ना कुछ चीजें बेचने वाले ही हैं, और बाहर भी थोड़े बहुत पकौड़े वाले हैं। कुछ खास मतलब इस इधर की कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये चीज जगह फेमस है, या क्या है? ये हमारी लासी मस्जिद है, ये जब बस ये मस्जिद है। अच्छा ये एब्टाबाद बना तो उससे पहले किया है? ओके अच्छा, बाहर बाहर पकोड़े वगैरह बाहर देखते हैं। बाहर चलो अभी फिलहाल ऊपर वाली साइड पे जाते हैं, इधर कोई सामान बेचने वाले बैठे हुए हैं। ये पानी कौन सा है मतलब? ये चश्मे का पानी। ओ हो 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 यार, मजे की चीज है कि चश्मों का पानी आता है, कोई मोटर शोटर लगाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब खुला पानी, घरों में भी आता है। अच्छी बात ये है कि पहले लोग मस्जिद तक आते थे, पकोड़े वगैरह खा के घूम फिर के मतलब मस्जिद के आसपास से चले जाते थे, लेकिन अभी इन्होंने कुछ चेंजिंग्स की हैं, लाइक ये कुछ जगह को थोड़ा बहुत तैयार किया है, और ऊपर कुछ इस तरीके से जगह इन्होंने मेरे ख्याल से अभी बनाई है, शायद ये बन रही है जगह। देखो अभी काम लगा हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, या ये काम लगने के बाद तोड़ दिया। ये पहले से हो चुके काम यहाँ पे हैं या चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है काम। बहरहाल कुछ सिटिंग वगैरह के लिए जगह बनाई है मेरे ख्याल से अभी, तो कोई छोटा मोटा पार्क वगैरह बच्चों के लिए, झूले वगैरह। तो ये रहे जी यहाँ के मशहूर पकौड़े, जो कि अलियासी मस्जिद के आलू वाले समोसे। ओके ये पकौड़े तो ले लिए, लेकिन बाहर ठंड थी, भाईजान को ठंड ज़्यादा लग रही है,
इसलिए गाड़ी में बैठ के समोसे एंजॉय करेंगे, पकौड़े खाएंगे। पकौड़े पकौड़े, हाँ जी पकौड़े, पकौड़े लिए हमने। अच्छा मैंने समोसे देखे थे, मैंने समोसे देखे थे तो मेरे मेरे जुबान पे ना वो समोसे ही फंस गए। खैर पकौड़े लिए, चटनियां इसने दो डलवाई हैं। चटनी का पता नहीं इसको क्या शौक है, मुझे ये नहीं आज तक समझ आई भाई साहब। जिस दिन से इस बंदे को मैं मिला हूँ इसके मुंह से मैं चटनी ही सुन रहा हूँ। चाटने वाली चीजें बस इसको पसंद है। खैर वहाँ से सारी चीज़ों से फ्री होगी, आ चुके हैं हम लोग जिम, और जहाँ पर ये पहले जिम करता रहे, और तो कोई काम था नहीं तो फिर इन लोगों ने कहा कि यार चलो जिम ही ले जाते हैं, थोड़ी बॉडी छोड़ी। एक दिन में देखो मैं कितनी बॉडी बनाने वाली हूँ। चल भैया अपना डोला दिखा दे, पंप ऐसे शोल्डर किए हैं, लेकिन शोल्डर किए हैं तो यही दिखा दे। कोई नहीं यार, मेरे मेरे डोले जितना नहीं है, मतलब कोई नहीं सारे गए इतना इतना। ये चेक कर, ये चेक कर। मैं अपनी जाति दिखाने नहीं चाह रहा, असल में है बहुत ज़्यादा ना ये। चल भाई अभी लगाई जाएगी चेस्ट, कितनी करने? एट एट नहीं करने भाई, दो कर दे, आठ आठ आठ, ये तीन, चार। पूरे लाल वो लॉग नहीं कर यहाँ से वापस। एक और, ये तुझे कैसे पता कि आठवें बंदे की फट जाएगी है? आठ नहीं लगाते वैसे, बारह लगाते हैं। मैंने तुझे कहा आठ लगाओ। मैं आया था अहमदाबाद घूमने और इस बंदे ने मुझे लगा दिए। घूमने के साथ साथ जिम जान भी बनानी चाहिए। अभी करना क्या है इसका? अभी इसको किधर तक मुंह तक ले के आना, जहाँ तक मर्जी है। ये तो बच्चों वाला है यार। हाँ जरूर लगाए। कितने कर? बारह आने पे। बारह बस? हाँ बस। जरा एक मिनट वेट दिखा रहे कितने पे लगा रहे हो? 15 किलो है, 15 किलो। पीछे का पीछे कर, 12 हो गया। जरा पीछे 15 किलो है ना, 15 किलो है। मैं दिखा देता हूँ ये देखो 15 किलो, ये 15 किलो। अहमदाबाद का आज है तीसरा दिन हमारा, और मेरी गंदी औरत सो रही है। ओए कसम से तेरे गुलाबी होंठ आ रहे हैं, ओए ओए कान भी गुलाबी, तेरे होंठ भी गुलाबी। खैर अभी जाएंगे कि जाके गाड़ी वगैरह ठीक करानी है, उसके बाद जाने वापस इस्लामाबाद। और ये आज ये वाला व्लॉग ना तकरीबन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। गाड़ी तो ठीक कराना दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। और इसकी अम्मा भाई ऐसे शोर कर रही है, नाश्ता तैयार है, आगे नाश्ता कर लो। हो चुकी है इस्लामाबाद की तरफ वापसी, और मौसम बहुत मज़े का हो रहा है। मौसम यार कमाल, मतलब वापसी जाने जैसे ही हम लोग निकलने लगे तो बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी, लेकिन हम लोगों ने इंतज़ार किया कि बारिश ख़त्म हो जाए, और वेदर बहुत कमाल का है। जाने का दिल नहीं कर रहा, अगर तो मामला बहुत मजबूरी है क्योंकि आ गए हैं नेक्स्ट वीक से हमारे एग्जाम तेरे। ओ भाई साहब एग्जाम के चक्कर में नीचे आ जाएगा अभी आने लाला था नीचे। खैर इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ दोबारा से मुलाकात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।